कोरोना के समय में हमने बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखी जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन गुजरात से जो तस्वीर सामने आई है उसने एक बार फिर दिखा दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। दरअसल गुजरात के सूरत में एक ब्रेन डेड घोषित हो चुकी महिला ने मर कर कई लोगों को नया जीवन दिया है। सूरत के बारडोली टकुला में रहने वाली 46 वर्षीय कामिनी पटेल के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उनके हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और आंख को जरूरतमंद लोगों को दान किया गया है। दरअसल कामिनी पटेल को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। इसी वजह से उन्हें 19 मई को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका सीसीटीवी स्कैन किए जाने पर डॉक्टरों ने पाया कि महिला को ब्रेन हैमरेज हुआ है। हालांकि सूरत के शैलवी अस्पताल में न्यूरो सर्जन ने उनका ऑपरेशन भी किया, लेकिन 5 जून को महिला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। कामिनी के पति एक किसान हैं और कोविड रोगियों की मदद करने वाले यूएस आधारित समूह से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कामिनी पटेल के पति और बेटों ने उनके अंगों को दान करने का फैसला लिया। डोनेट लाइफ एनजीओ ने कामिनी के परिवार की अंगों को डोनेट करने में काफी मदद की। इसके बाद परिवार ने राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन से संपर्क किया और कामिनी के हार्ट को मुंबई के सर एचएन रिलायंस अस्पताल ले जाया गया, जहां एक 46 वर्षीय महिला को इसे डोनेट किया गया। वहीं हैदराबाद में केम्स अस्पताल में लंग्स को डोनेट किया गया। इन सब के अलावा कामिनी की एक किडनी को अहमदाबाद के स्टर्लिन अस्पताल के एक मरीज को ट्रांसप्लांट किया गया, जबकि दूसरी किडनी और लीवर को अहमदाबाद के IKDCRC में एक मरीज को ट्रांसप्लांट किया गया। सूरत में कामिनी की आंखों को लोक दृष्टि आई बैंक को दान कर दिया गया। खैर, कामिनी के परिवार ने जो किया वो वाकई एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो लोग कोरोना जैसी महामारी में भी इंसानियत को भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।